निकल के खून गए। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। विष्णु पुराण भी इसकी पुष्टि करता है, तो इस बात को कहता है कि हिंद महासागर दक्षिण में हिंद महासागर से लगा करके और उत्तर में हिमालय पर्वत की पूरे भूभाग में जो देश है उसका नाम भारत, और इस देश के जो निवासी हैं जो इसमें रहते हैं 140 करोड़ की ये महाजनसंख्या, वो माँ भारती की संतान है। हम आज इस पर्व को मना रहे हैं, खुशी के साथ मना रहे हैं, आज आह्लादित हैं, उत्साहित हैं, क्योंकि इसका एक इतिहास रहा। इतिहास हमें आगे चलने की प्रेरणा देता है, कैसे हम और चीज़ों को कर सकते हैं, उत्तम तरीके से कर सकते हैं, आगे जाने में कितनी और सहूलियतें ला सकते हैं, इस बात की हमें प्रेरणा देता है। आज का ये यादगार दिन हम सब मिलकर के इस आज़ादी की आहुति, आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले तमाम ज्ञात और अज्ञात शहीदों को आज भारतवर्ष के 140 करोड़ की जनसंख्या नमन कर रही है, क्योंकि उनके संघर्ष का परिणाम आज हमें मिला। हम सब उनका नमन करते हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, जो ज्ञात भी हैं जो अज्ञात हैं। एक योजना भी चली इस बात की कि हर जिले में कितने ज्ञात और कितने अज्ञात स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन पर काम किया जाए, उनके साथ जुड़ा जाए, क्योंकि इन सेनानियों ने जो आज़ादी दिलाई उसका फल आज भोग रहे हैं। हर बात में जहां आप आगे जाना चाहते हैं, अपनी यात्रा आगे ले जाना चाहते हैं, उत्तरोत्तर वृद्धि चाहते हैं, विकास चाहते हैं, संगठन चाहते हैं, समूह चाहते हैं, सबका योगदान चाहते हैं, सबसे कनेक्ट होना चाहते हैं, उस दशा में कुछ प्रतीक बनाए जाते हैं और इन प्रतीकों के माध्यम से हम संगठन को मजबूती देते हैं, कार्य को करते हैं, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। आज़ादी की लड़ाई में जो दो प्रतीक बने, बड़े स्वाभाविक प्रतीक थे, जिन प्रतीकों के लिए कुछ हमें विज्ञापन नहीं देना पड़ा, कुछ किसी से कहना नहीं पड़ा, केवल उन प्रतीकों के माध्यम से एक उत्साह, एक जज्बा पैदा हुआ देश की सभी निवासियों में, देशवासियों में। दो प्रतीकों में आज एक प्रतीक के नीचे हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये राष्ट्रध्वज है भारत का, ये बड़ा प्रतीक बना